वाजपेयी, आप देखें भारत समाचार। गोरखपुर की खबर का रुख करेंगे सीधे, जहां जिला जेल में बवाल, कैदियों के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ है। तो गोरखपुर से खबर, जहां मंडली कारागार में बवाल देखा गया, बंदियों के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ है, बंदियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। और इसके बाद देखिए, जो जेल पुलिस कर्मी थे वो भी घायल बताए जा रहे हैं, जेल के कर्मचारियों से भी कैदी भिड़ गए, बीच बचाव में कई जेल कर्मी चोटिल हुए हैं कहा गया। भारी संख्या में फोर्स जेल के अंदर पहुंच चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप भारत समाचार पर देख पा रहे हैं। और लाल घेरे में हम आपको ड्रोन दिखा रहे हैं और ड्रोन की सहायता से आपको बता दें, इस कारागार पर नजर रखी जा रही है, अंदर की स्थिति बेहद नाजुक है और पूरे जेल पर देखिए कैदियों ने भी कब्जा कर रखा है, लगातार अंदर से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई, इसकी खबरें आती हुई। और एक गोरखपुर की घटना है जहां देखिए ड्रोन से जेल पर नजर रखी जा रही है, भारी पुलिस फोर्स अंदर तैनात हो गई है, डीएम एसएसपी कैदियों को समझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दमकल व्रज वाहन जेल के अंदर पहुंचा और अब डीएम एसएसपी भी वहां पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए जेल के कर्मचारियों के ऊपर भी हमला किया कैदियों ने। और देखिए तीन तस्वीरें आपके सामने, जेल में गैंगवार, और दूसरी तस्वीर जहां देखिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, और तीसरी तस्वीर प्रशासन मौके पर, यानी कि डीएम एसएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए दमकल की गाड़ियां भी अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंदर आगजनी और पथराव भी किया जा रहा है, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद होता हुआ जेल में गैंगवार की घटना सामने आई। और यह भी कहा जा रहा है कि जो ये कैदी थे वो जेल प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद ये उपद्रव हुआ, दो गुटों में ये उपद्रव देखा गया, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कैदियों के आपसी विवाद के बाद जेल में हंगामे की स्थिति भी बरकरार है। जो लोगों के अनुसार जो कैदी हैं, सुबह गिनती के दौरान वो पुलिसकर्मियों से भिड़ गए, जिसमें डिप्टी जिला से तीन जो पुलिसकर्मी, उनको चोट के, ये जेल है, इसके अंदर स्त्री को निर्देश करने लगभग आधा दर्जन से अधिक फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और वर्ज गाड़ी अंदर जा चुकी है। एसपी सिटी, एडीएम सिटी जो हैं अंदर जा पहुंचे हैं और डीएम और एसएसपी जो हैं बाहर बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि जेल की स्थिति इस वक्त काफ़ी जो विवादित बनी हुई है, कैदी लगातार हंगामा कर रहे हैं, अब बाहर से अभी भी आवाज़ें जो अंदर से बाहर सुनाई दे रही है, लेकिन ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है और डीएम और एसएसपी बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी उनको समझाने में वहाँ जुटे हुए हैं। कैमरा फोटोग्राफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शाही भी जुड़ चुके हैं इस खबर में। विकास, देखिए कहा जा रहा है कि कारागार की स्थिति बेहद अभी नाजुक बनी हुई है, वहां पर तमाम पुलिस फोर्स तैनात है, अभी कैसे हालात है वहां पर, इसकी जानकारी दीजिए। जी शिवांगी जी, बता दें इस वक्त जो हालात है बिल्कुल कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो कोयल यादव, रमेश यादव, लादेन जैसे चार पांच कुख्यात अपराधी जो जेल में बंद है, वो आपसी गुट में अपने को बढ़ावा देने के लिए, कैदियों को भी अपने वचस को लेके उन्होंने कल रात भी बवाल किया था, पुलिस ने जाकर उनको समझाया था। उसके बाद सुबह गिनती के बाद जो जेल कर्मी होते हैं जेल के, उनसे उनकी विवाद हो गया, उसके बाद उन्होंने कुछ चोटिल भी कर दिया है। उसके बाद सीओ गोरखनाथ, एसपी सिटी और के नेतृत्व में लगभग आधे दर्जन से अधिक थाने वर्ज फायर की गाड़ियां जेल के अंदर पहुंची, ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। उन्होंने कह जाएगा कि जो कुख्यात अपराधी हैं, ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए कैदियों में आपस में मारपीट हुई, हालात काफी बदतर बने रहे, लेकिन वर्तमान में डीएम एसएसपी बैठ के लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हालात अभी नाजुक है, लेकिन किसी भी घटना को न हो पाए इसके लिए पुलिस लगातार कम्बिंग कर रही है, कई थानों की फोर्स है, पीएसी है, लगातार जेल के अंदर और बाहर ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। जो बवाल शुरू से डेढ़ दो घंटा जारी रहा, वर्तमान में कुछ जो है उस पर कंट्रोल किया गया है, जो कुछ अपराध है वही उन लोगों को लेकर हुआ था, कुछ जो जेलकर्मी भी चोटिल हुए हैं। विकास, देखिए वहां की स्थिति आप बता रहे कि अभी सामान्य होते हुए दिख रही है, हालात काबू में होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देखिए विकास ये भी जानना चाहेंगे, जो पूरा बवाल हुआ वो कितने बजे से शुरू हुआ और अभी तक ये स्थिति जो काबू में हो गई है, इसके बाद जो वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उनका क्या कहना है? जी मैं आपको बता दें कि ये बवाल लगभग 6:30 बजे जो कैदियों की गिनती होती है उस समय शुरू हुई, रात की जो
खुन्नस थी कैदी के अंदर, जो पुलिस को समझाया गया था कि आप इस तरह के बवाल ना करें, जेल के नियमों का पालन करें। उसके बाद सुबह उन्होंने विवाद कर दिया, चोटिल कर दिया। उसके बाद से अब तक जो है डीएम एसएसपी यहाँ लगातार बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगभग आधा दस दस थानों की फोर्स यहाँ मौजूद है, पीएससी मौजूद है, वज है, फायर है, डोर से निगरानी हो रही है। खाली अपने वर्चस्व को लेकर जो कि कुख्यात। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सही है, व्यवस्थाओं में नहीं कोई दिक्कत है, मगर यही है कि आज मुलाकात आए हैं, मुलाकात लगवाने के लिए सुबह 6 बजे से देख रहे हैं कि पूरी टीम पड़ी हुई है यहाँ पे। फिर अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, नाराबाजी किए हुए, हल्ला मचाए हुए। इसका मतलब कैदियों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, बताया भी नहीं गया है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चला है कि यहाँ कुछ अंदर बवाल हुआ है, यहाँ के अभी पता चल रहा है, अभी किसी तरह का कुछ पता नहीं चला है। बहुत फोर्स लगी हुई है, पता किए कि क्यों फोर्स लगी हुई है। अब देखिए कानपुर की खबर आपको बता दें, डबल मर्डर से